अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच आज से नॉटिंगम में खेला जाना है। आपको बता दें कि इस सीरीज में टीम इंडिया के पास ये आखिरी मौका है सीरीज में वापस आने का। अगर भारत ये टेस्ट मैच हारता है तो एक बार फिर इंग्लैंड में जीतने की सुनहरी यादें फिर से इंतजार में बदल जाएंगी। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर टीम इंडिया जिस तरह से जब आई थी इंग्लैंड के सामने तो ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है, क्योंकि विश्व की नंबर एक टीम है टीम इंडिया। और जिस तरह से 230 और उसके बाद 194 रन नहीं बने भारतीय टीम से, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम पर सवालिया निशान भी लगने लगे। कई सारी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा भारतीय टीम को। लेकिन आज टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री को कुछ अलग सोचना होगा। आज टाइम है इंग्लैंड को उसी के घर में उसे दिखाने का कि टीम इंडिया क्या दम रखती है, क्यों टीम इंडिया को महज नंबर एक टीम यूं ही नहीं कहा जाता। बड़ी बात यह है कि अभी तक कई लोग ये कहते आए हैं कि टीम इंडिया सिर्फ घर में ही शेर है, कहीं ना कहीं इस टैग को हटाना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका सीरीज जरूर हारी थी भारतीय टीम, लेकिन मैच क्लोज आकर हारी थी। और जिस तरह से जोहानिसबर्ग में टेस्ट मैच जीता था भारतीय टीम ने, कहीं ना कहीं अपनी लाज बचाई थी। यहां पर लाज बचाने का समय है। यहां पर इंग्लैंड की टीम बहुत शबाब में है। हालांकि जो कंफर्म्ड खबर आ रही है वो ये है कि यहाँ पर इंग्लैंड में बेन स्टोक्स की वापसी हो गई है, कोर्ट केस से बरी हो गए हैं और उसके बाद बेन स्टोक्स ने जगह ली है सैम करन की। यानी कि टीम इंडिया के लिए थोड़ी सी राहत की खबर ये है कि सैम करन जो एक लेफ्ट आर्म पेसर है, वहाँ पर जहाँ पर टीम इंडिया के बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं, सैम करन यहाँ पर आज नहीं खेल रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि विराट कोहली, जिनको काफ़ी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था, टीम मैनेजमेंट को लेकर कई सारे सवाल उठे थे, लेकिन यहाँ पर अब टीम इंडिया आखिर यहाँ पर करेगी क्या। दूसरी बात, विश्व के नंबर एक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी टीम में वापसी हो गई है। अब बुमराह खेलेंगे ये बात तो तय है, आखिर टीम इंडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। हालांकि गेंदबाजी टीम इंडिया का चिंता का विषय नहीं है, टीम इंडिया की चिंता का विषय बल्लेबाजी है। कई लोगों का ये कहना भी है कि यहाँ पर भारतीय टीम को 7 बल्लेबाज और 4 गेंदबाजों के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि अगर 3 पेसर 1 स्पिनर आप खिला रहे हैं वो काफ़ी है। यहाँ पर अब विराट कोहली के सामने दिक्कत क्या है, अगर आप 7-4 का कॉम्बिनेशन भी खिलाते हैं तो आप बाहर किसको करेंगे। अश्विन आपके पास है ही, यहाँ पर बुमराह भी खेलेंगे, यानी कि शमी और ईशांत शर्मा खेलेंगे, उमेश यादव भी बाहर बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं अब 7-4 का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उम्मीद उसकी बहुत कम है, क्योंकि विराट कोहली ने पहले से ही कहा है कि वो मैच हारे या जीते वो 6-5 का कॉम्बिनेशन ही खिलाएंगे। कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम भी ये बात जानती है कि टीम इंडिया बाउंस बैक कर सकती है। जिस तरह से जो पूर्व बल्लेबाज हैं, जोफ्रे बॉयकॉट ने कहा कि टीम इंडिया के बल्लेबाज बेवकूफ़ हैं, इस तरह की अपमानजनक बातें कही गई हैं, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पढ़ा ज़रूर होगा और अब जवाब देने के लिए आतुर होंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय है वो है टीम इंडिया की बल्लेबाजी। उपकप्तान अजिंक्य रहाणे भी फॉर्म में नहीं है, मुरली विजय बहुत ही बुरी हालत है उनके फॉर्म की, शिखर धवन को पहले मैच के बाद बाहर कर दिया गया, तो अब आखिर विराट कोहली सही कॉम्बिनेशन बिठाएंगे कैसे। पुजारा जो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि लय पकड़ लेंगे, पिछले टेस्ट मैच में रनआउट हो गए, अनफॉर्चुनेटली उनसे भी रन नहीं निकले, तो अब यहाँ पर आखिर क्या ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो सही तरीके से बैठेगा। क्योंकि अगर 107 और 130 अगर आप बना रहे हैं जिसमें अश्विन ने आपको दोनों पारियों में रन करके दिए हैं, तो आपके बल्लेबाजों का शायद कोई रोल वहां नजर नहीं आ रहा है। विराट कोहली ने साफ तौर पर कहा था कि हम पहले पिच देखेंगे और उसके बाद टीम का फैसला करेंगे। बहरहाल इंग्लैंड की टीम पर अगर नजर डालें तो इंग्लैंड की टीम की तस्वीर लगभग साफ नजर आ रही है। यहां पर कीटॉन जेरिंग्स और एलिस्टर कुक ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर की बात की जाए तो जो रूट यहां पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे 3 नंबर पर। 4 नंबर की बात की जाए तो यहां पर जॉनी बेस्टो। 5 नंबर की बात की जाए तो ओली पोप। 6 नंबर की बात की जाए तो जॉस बटलर। यहाँ पर मतलब 6 इनके बल्लेबाज कंफर्म हैं। 7 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर खेलेंगे बेन स्टोक्स। 8 नंबर की बात की जाए तो क्रिस वोक्स। 9 नंबर की बात की जाए तो आदिल रशीद। और 10 और 11 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर एंडरसन और ब्रॉड। यानी कि कुल मिलाकर 4 तेज गेंदबाज और 1 स्पिनर के साथ उतरेगी इंग्लैंड की टीम। यानी कि
पूरी तरह से जो ये टीम है ये पूरी तरह से संतुलित टीम नजर आ रही है। इंग्लैंड वो भी अपनी ही कंडीशंस पर खेल रही है, वनडे वाली पिच से बेहद अलग है इंग्लैंड की टेस्ट पिच, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया का जो मजाक उड़ा है। इवन पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने भी, अभी मैं इंटरव्यू सुन रहा था उनका कल का, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि भाई इससे बेहतर तो हम खेले थे, हम वहां जाकर कम से कम एक एक से ड्रॉ करा कर आए थे, उससे पिछले दौरे में दो दो से ड्रॉ करा कर आए थे। तो यहाँ पर अब भारतीय टीम को अब यहाँ पर अपने अपमान का बदला भी लेना है, एक घायल शेर की तरह वार भी करना है, और भारतीय टीम को कहीं ना कहीं अब अपना संतुलन प्रदान करना पड़ेगा। आप विदेश में जाकर आपके बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप होते हैं, साउथ अफ्रीका में भी हमने यही देखा, इंग्लैंड में भी हम यही देख रहे हैं। यहाँ पर मुरली विजय और इन लोगों को मैच, ठीक है चले बाकी खिलाड़ियों को मैच प्रैक्टिस नहीं मिली, लेकिन मुरली विजय और अजिंक्य रहाणे को तो आपने इंडिया ए के साथ भेजा था। जब यहाँ पर ये टीम जब जाकर खेल रही है, आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए थी, कहीं साफ तौर पर प्रैक्टिस की जो है वो कभी साफ तौर पर दिख रही है। अब विराट कोहली के लिए बहुत ज्यादा अहम हो गया है कि वो यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन सही ढंग से चुने, अगर टीम कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिगड़ता है तो शायद टीम जो है वो बहुत ज्यादा पीछे पड़ सकती है। बहरहाल अगर अब ओपनर्स की बात की जाए, आज टीम इंडिया के प्लेइंग 11 की बात की जाए, तो आज बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर केएल राहुल और शिखर धवन ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि मुरली विजय को बाहर बैठना पड़ेगा, कुछ फॉर्म भी उनकी ऐसी चल रही है। 3 नंबर की बात की जाए तो चेतेश्वर पुजारा, 4 नंबर की बात की जाए तो कप्तान विराट कोहली, 5 नंबर की बात की जाए तो अजिंक्य रहाणे को, ऐसा लग रहा था कि करुण नायर को मौका दिया जाएगा, लेकिन 5 नंबर पर एक मौका शायद अजिंक्य रहाणे को और मिले आज के मैच में, 6 नंबर की बात की जाए तो दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत, 7 नंबर की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या, 8 नंबर की बात की जाए तो रविचंद्रन अश्विन, 9 नंबर की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह, 10 नंबर की बात की जाए तो ईशांत शर्मा, 11 नंबर की बात की जाए तो मोहम्मद शमी। यानी कि 4 पेसर और एक स्पिनर के साथ भारतीय टीम भी उतर सकती है, क्योंकि पिछले मैच में कुलदीप यादव को खिला के जो गलती की है भारतीय टीम ने, उसका खामियाजा शायद कहीं ना कहीं टीम ने लॉर्ड्स टेस्ट को गंवा कर भुगता। एक तरह से एक दिन वॉश आउट हो गया, चौथे दिन में एक खेल खत्म हो गया, तो 3 दिन के अंदर इंग्लैंड की टीम ने पूरा मैच जो है वो खत्म कर दिया। अब यहाँ पर बहुत जरूरी हो गया है कि विराट कोहली सही कॉम्बिनेशन बिठाए। बात अगर पिछले 5 टेस्ट मैचों के आंकड़ों की जाए, तो पिछले 5 टेस्ट मैचों में 3 टीम इंडिया ने जीते हैं और 2 इंग्लैंड ने जीते हैं, लेकिन जो 2 इंग्लैंड ने जीते हैं वो अपने घर में जीते हैं, और टीम इंडिया ने जो 3 जीते हैं वो अपने घर में जीती है। तो कहीं ना कहीं दोनों टीमें अपने घर पर तो भारी हैं एक दूसरे पर यहाँ पर, लेकिन सही कॉम्बिनेशन यही होगा कि विराट कोहली की सेना जो है यहाँ पर इंग्लैंड पर भारी पड़े, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच हाथ से जाता है या ये टेस्ट मैच आप नहीं जीत पाते हैं किसी कारणवश, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। टीम इंडिया का सीरीज जीतने का सपना तो फिर सपना ही रह जाएगा, क्योंकि 2007 के बाद टीम इंडिया जब 2011 में आई थी यहाँ पर तो भी बहुत बुरा हारी थी, और 2013-14 में भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। अब बहुत जरूरी हो गया है, बहुत अहम हो गया है कि इंग्लैंड में थोड़ा सा अपने आंकड़ों को सुधारा जाए। टीम अच्छी है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, बस यहाँ पर प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। एप्लीकेशन की बात विराट कोहली ने पिछले मैच के खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। उन्होंने कहा था कि बल्लेबाजों को अब समय आ गया है कि अपने घेरेबान में झांक कर देखें कि आखिर वो क्या गलती कर रहे हैं, क्या एंडरसन जैसे गेंदबाज जो विश्व के नंबर एक गेंदबाज है उनको नंबर एक बनाने में क्या भारतीय बल्लेबाजों का हाथ नहीं है, क्योंकि 7 बार मुरली विजय को आउट कर चुके हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो मुरली विजय 8 मैचों में महज 520 रन है, करीब 38 की औसत, तो औसत उतनी ख़राब भी नहीं है। अगर बात की जाए टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए तो औसत उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली की अगर बात की जाए तो 9 मैचों में 1178 रन है, करीब 79 की एवरेज है, 70 की स्ट्राइक रेट के आसपास। तो विराट कोहली की फॉर्म तो बोल रही है कि भाई आज के मैच में विराट कोहली का जो खेल होगा वो काफ़ी अहम होने वाला है। वहीं इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो जो रूट कप्तान बेहतरीन फॉर्म, 10 मैचों में 684 रन, करीब 43 का औसत, स्ट्राइक रेट 50 के आसपास का, लेकिन विराट कोहली से थोड़ा सा पीछे हैं। और उसके बाद जो एक और बड़े खिलाड़ी जिन पर काफ़ी नज़रें होंगी, जॉनी बेस्टो, 10 मैचों में 657 रन, करीब 39 की औसत और 54 की स्ट्राइक रेट। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर बल्लेबाजों का चलना, अगर बल्लेबाजी नहीं चलती है भारतीय टीम की तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
गेंदबाजों पर अगर नजर डाली जाए तो मोहम्मद शमी 8 मैचों में 35 विकेट हैं इनके, और अच्छी इकोनॉमी के साथ वापसी भी की है सीरीज में। एक बेहतरीन गेंदबाज हैं और लाइन और लेंथ का परिचय दिया है इन्होंने। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन 9 मैचों में 37 विकेट, यानी कि एक स्पिनर का भी रोल इंग्लैंड के खिलाफ अहम हो सकता है, क्योंकि अश्विन हवा में गेंद जो है वो स्पिन कराकर विकेट निकाल सकते हैं, ये हमने पहले टेस्ट मैच में देखा है। उसके बाद अगर बात की जाए इंग्लैंड के गेंदबाजों की, तो जो इनकी जोड़ी है, जो विश्व की शायद टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 जोड़ी मौजूदा समय में है, वो है जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 10 मैचों में 33 विकेट लिए हैं करीब 3 की इकोनॉमी के साथ, और जेम्स एंडरसन ने 10 मैचों में 45 विकेट लिए हैं, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर एक बड़ा जो मार्जिन है वो यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने जीता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि नॉटिंघम टेस्ट भारतीय टीम जीत पाती है या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी पहले दिन का खेल और हाईलाइट्स के साथ। लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।